खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से आ रही। मौरावा में फिर एक बार दहाड़े अनिल सिंह। अनिल सिंह ने क्यों कहा कि रिकॉर्डिंग कर लो, विपक्षियों को सुना देना। रिकॉर्डिंग सुन क्यों तिल मिला गए पूर्व विधायक उदयराज यादव। अनिल सिंह ने क्यों कहा हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करने वाली है और हम सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार जो कहती है वही करती। अनिल सिंह ने किस पढ़ ली चुटकी, क्यों याद दिलाई गांव की कहावत कि सूप बोले तो बोले चलनी काहे बोले, जिसमें खुद 72 छाद। आपको बता दें मौरावा नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह। अनिल सिंह ने कहा कि मौरावा में अब बहेगी विकास की बयार। पूर्व विधायक अनिल सिंह का चेयरमैन व अन्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अनिल सिंह ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला, वहीं मंच से विपक्षियों पर भी साधा निशाना। आवास लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान मधुकर बाबू, शिवम पांडे, दीपू अग्निहोत्री, भाई जी, ईओ तथा समस्त अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सज्जन अपनी अपनी कुर्सी की सूची में नाम आता था, उन्हीं का आयुष्मान बनता था, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे आदरणीय योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी जोड़ा गया, जिनके 6 यूनिट तक हैं, उनको आयुष्मान मिल रहा है। ये 125 योजना दे रहे हैं गरीब आदमी। ये जितने लोग बैठे कौन कौन, लेकिन क्या किसी को कुछ दिया था जितना हमने 7 साल और 6 साल में दिया है? चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मैंने कभी भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास काम करने का काम किया। जितने कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं पूछ लो इनसे, जितना काम अब कर रहे हैं इन्होंने, क्या 50 साल की नौकरी, 35 साल, 20 साल, 15 साल की नौकरी में काम किया हो तो अनिल सिंह को बताने का काम करेंगे हम। और अनिल सिंह डंके के चोट पे कहते हैं कि जिसके पास भी खतौनी खसरा हो उसके नाम का मेरे पास ले आवे, चाहे जितना बड़ा माफिया कब्जा किया हो, बुलडोजर से उसका गिराकर उसको घर कब्जा दिलाया जाएगा। चले आम चले।